अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कल्डी की भाजी, जिसके लिए हमने दो गड्डी भाजी लिया है, जिसे हमने इस तरह से रफली मोटी मोटी काट दिया है, जैसे हमने मेथी की और चौले की भाजी काटे थे पैट पर, इस तरह से हमने इसे काट लिया है। और एक प्याली भर के हमें मटन है, ये टोटल 100 ग्राम मटन है, जिसे हमने उबाल कर इस तरह से इसको उबाल कर हम इसे मिक्सर में रफली मोटा मोटा पीस लेंगे। और बघारी बनाने के लिए हमने फल्ली के बीन लिए हैं, जिसे हमने इस तरह से मोटे मोटे रफली कूट लिया है हल्के से। और 150 ग्राम मीठा तेल लगेगा, 2 टेबल स्पून प्याज जो हमने बारीक कतर दी है, और 2 टेबल स्पून लहसुन, और लाल और सूखी हरी मिर्ची जो हमें दोनों भाजियों में डालने के लिए लगेंगी, बघारे में और मटन वाले भाजी में। बघारे भाजी में सिर्फ हमें मटन के बदले फल्ली लेना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसे बघारना। सबसे पहले हम एक जार में ये जो हमने लहसुन और हरी मिर्ची लिया है वो डाल देंगे। और इसे मोटा मोटा रफली पीस लेंगे। सबसे पहले हमें एक पैन में तेल डालेंगे, थोड़ा सा हमने बघारी भाजी के लिए इसमें से रखा है उठा के, बघारी भाजी के लिए। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। प्याज भी हमारी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने पर ही है, इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें हम ये हरी मिर्ची और लहसुन को मिक्सी में पीस लिया है, अब ये डाल देंगे। आधा टीस्पून नमक आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अच्छी तरह खुशबू आने तक भूनेंगे। इसके बाद हमने ये मटन को इस तरह से मिक्सी में रफली मोटा मोटा पीस लिया, इसके बाद हम इसे डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। ये हमारी भाजी मिर्ची और मटन अच्छी तरह से भून चुका है, ये जो पानी था मटन का वो डाल दिया हमने, इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। फिर इसके बाद इसमें ये भाजी थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे। बहनों ये भाजी बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करें और कैसी बने मुझे ज़रूर शेयर करें। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है ये भाजी। और जो बहनें मटन नहीं खाते वो इसे बघारी भी बना सकते हैं, जो हम बताने वाले हैं आपको फल्ली डाल के, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। इसे अभी और 2-3 मिनट तक हमें इसे भूनना है, फिर इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे, 2-3 मिनट तक इसे होने देंगे। 2-3 मिनट से हमारी भाजी पक रही है, अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। बहनों इसमें भी चौले की भाजी जो हमने आपको बताया है
तो इसी तरह इसमें भी तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आप नहीं डालना चाहते ज़्यादा तेल तो कम भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमारी भाजी तैयार हो चुकी है। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये बघारी भाजी के लिए हमने सबसे पहले उसमें तेल डाला है, फिर ये जो फल्ली रखी थी हमने वो डाल ली है, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रखेंगे हम। इसे अच्छी तरह से फ्राई होने तक भूनेंगे। ये हमारी फल्ली ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो हमने एक से डेढ़ मिनट तक सिर्फ पकने दिया है, तेल में फ्राई होने दिया है। हमने इसमें प्याज नहीं डाले, आप चाहे तो डाल सकते प्याज। और हम उसके बाद हम इसमें ये हरी मिर्ची और लहसुन जो पिस के रखा था वो थोड़ा सा एक टेबलस्पून डाल दें। फिर उसके बाद हम इसमें ये भाजी जो रखी थी वो भी जल्दी से डाल दें। इसको जल्दी जल्दी इस तरह से, जिसे आप चाहे तो तवे से भी बन सकते। इसके बाद हम इसमें पाव टी स्पून नमक डाल लेंगे, आप आपके हिसाब से शक्कर डाल सकते हैं। इसे जल्दी जल्दी भून लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे बिल्कुल मामूली, ताकि हमारे ये फल्ली के भी थोड़े गल जाए। बिल्कुल बहुत जल्दी बहुत इजीली बन जाती है ये भाजी, तो आप इसे जरूर घर में ट्राई करें। इस तरह से हमारी भाजी अच्छी तरह से गल चुकी है, बस अब हम गैस को बंद कर देंगे। लीजिए, हमारी दोनों भाजी तैयार है, कल्डी की जो जिसमें हमने एक में मटन डाला है, एक बघारी है। तो बहनों आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं।